हेलो फ्रेंड्स, लाइट हाउस सोल्स में मैं जया आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रिलेशनशिप के लिए जो ज़ीबू सिंबल्स होते हैं वो बताऊंगी। ये आपको तब बहुत यूजफुल है यदि आपने कोई भी हीलिंग टेक्निक नहीं सीखी हो, चाहे रेकी या प्राणिक हीलिंग या कोई भी तरीके की टेक्निक आपको नहीं आती है और फिर भी आपके रिलेशनशिप जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी के साथ जो बिगड़े हुए हैं। चाहे फिर फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को हील करना हो या फिर बच्चों के साथ रिलेशनशिप को हील करना हो, फ्रेंड्स के साथ आपको किसी फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो गया है या फिर आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप खराब हो रखे हैं, तो उन सबको यदि इम्प्रूव करना हो तो उस समय ये ज़ीबू सिंबल्स को आप यूज करके इन रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। सबसे पहला ज़ीबू सिंबल है फ्रेंडशिप सिंबल। इसको बनाने का तरीका है, इस तरह से आप लेके जाएंगे और ऐसे आप कर्व बनाएंगे, ठीक है। इसको कलर जो स्केच पेन यूज कर सकते हैं वो ब्लू स्केच पेन या ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। देन क्रिस्टल्स की बात करें तो सोडा लाइट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जो फ्रेंडशिप सिंबल है ये एक कनेक्शन बैठाता है दो लोगों के बीच में, ताकि जो अप्रिसिएशन वो कर सके एक दूसरे का, ठीक है। इट इज अ यूनिटी ऑफ सोल्स। ये दो लोगों को ब्लेसिंग्स देता है, दो या दो से ज्यादा जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ रिलेशनशिप में उनको ब्लेसिंग्स देता है। थ्रू आप जो भी रिलेशनशिप में हीलिंग चाहिए है उसको एक जॉय के थ्रू या थॉट के थ्रू या एक्शन के थ्रू हीलिंग देता है, ताकि वो रिलेशनशिप जो है फ्लरिश हो, हैप्पीनेस उसमें बरकरार रहे। अगला जो सिंबल है वो है फॉरगिवनेस सिंबल। इसको बनाने का तरीका है, आप ऐसे कर्व लेके जाएंगे, ठीक है, और यहां से इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो कलर यूज करना है, यहाँ पे भी ब्लू कलर यूज करना है, और जो क्रिस्टल यूज करना है वो है टर्कोइस क्रिस्टल, ठीक है। ये फॉरगिवनेस सिंबल क्या करता है कि आपके अंदर जो भी इमोशंस ब्लॉक्ड है या पेंट अप है उसको रिलीज करता है, फ्री करता है जो भी लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। यदि ये आपने बनाया तो आपके जिन लोगों जितने भी लोगों के साथ जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबको रिलीज करेगा, फ्री करेगा, सो दैट जो फ्लो है लव का फ्लो रिलेशन में स्मूथली बना रहे, ठीक है। जितने भी बैरियर्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो वॉल्स हैं, वो सारे वॉल्स को वो रिमूव करता है। जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनके बीच में कोई भी वॉल या ब्लॉकेजेस हैं और सबको फ्रीली मूव फॉरवर्ड होने के लिए, मीन्स आगे बढ़ने के लिए ये सिंबल हेल्प करता है। अगला सिंबल जो है वो है यूनिवर्सल लव का सिंबल। ये हम बनाएंगे हार्ट के फॉर्म में है, ओपन हार्ट है ये, इसमें कर्व है और तीन डॉट्स हैं, ठीक है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो दो लोगों में दूरियां बन गई हैं उनके बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, और जो रिलेशनशिप है उसको हील करने में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये जो है स्ट्रेंथ इकट्ठा करता है और उसमें जो वॉर्म्थ है, जो रिलेशनशिप में जो लव की वॉर्म्थ होती है उसको बढ़ाने का काम करता है ये सिंबल, ओके। दिस सिंबल टचेस द सोल। ये सिंबल जो है डायरेक्ट सोल लेवल पे हीलिंग देता है, और हर किसी को जितना मींस ये सिंबल जितना ज्यादा लव हीलिंग पहुंचा सके उतना पहुंचाने का ट्राई करता है, ओके। और इस सिंबल से क्या होता है कि कोई भी होल्डिंग इमोशंस जो होल्ड किए हुए हैं एक वो सारे फ्री आउट होके आगे बढ़ सके। तो इन सिंबल्स का कॉम्बिनेशन, इन तीनों सिंबल्स का हम जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चाहे आप किसी फोटो के साथ बना सकते हैं या फिर आपका जो विश बॉक्स है उसमें इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। एक पेपर पे बना के आपके जो बिलवेड वंस है जिनके साथ आपको हीलिंग चाहिए है आपके, तो उसमें इन सिंबल्स को अप्लाई करके उनके बीच में ये फोटोज रख सकते हैं। आपके विश बॉक्स या पिरामिड बॉक्स है उसमें इसको रख सकते हैं, एंड जिनके पास पिरामिड वगैरह नहीं होगा तो आपका सिंपल एक कोई भी जो बॉक्स होगा जिसको आप विश बॉक्स बना सकते हैं उसमें ये तीनों सिंबल फ्रेंडशिप,
फॉरगिवनेस और यूनिवर्सल लव, ये तीनों सिंबल का कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। और कलर्स जो हैं ब्लू और ऑरेंज, इन कलर्स को यूज करके इन सिंबल्स को बना के इनके बीच में जो है, खास करके लव सिंबल जो है, यदि मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया है और उसको आप हील करना चाह रहे हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ के फोटो के बीच में ये सिंबल बना के रख सकते हैं। तो इस सिंबल से वो वार्म्थ मिलती रहेगी दोनों के रिलेशनशिप में। चौथा सिंबल एक और जो लव के लिए मैं बताना चाहूंगी, खास करके जब हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपके किसी के भी रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप को हील करना हो, तो यूनिवर्सल लव और अनकंडीशनल लव का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ यूनिवर्सल लव को कैसे बनाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल लव के लिए यहाँ इसका कुछ कुछ हार्ट के जैसा ही सिंबल रहेगा, बस इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस जाएंगी हार्ट के बीच में से, और इन पैरेलल लाइंस के बीच में तीन डॉट्स रहेंगे, ठीक है। ये प्योरिटी को दर्शाता है, अनकंडीशनल लव, इसलिए कि इसमें कोई भी जजमेंट नहीं रहेगा, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। ये एक प्योर होली डिवाइन व्हाइट लाइट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अनकंडीशनल लव जो है वो पैरेलल हो रहा है डिवाइन लव से, और ये तीन डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या फिर बर्थ, लाइफ और डेथ, या फिर बॉडी, माइंड और स्पिरिट। तो यदि आपको, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंडशिप, फॉरगिवनेस, यूनिवर्सल लव, इन तीनों सिंबल्स को आप रिलेशनशिप के लिए इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जीबू सिंबल जब आप विश बॉक्स में यूज कर रहे हो, तो ये दोनों सिंबल्स जो है, यूनिवर्सल लव और अनकंडीशनल लव जो है, इनको यूज करके आप आपके स्पाउस के रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए ये दोनों सिंबल्स यूज कर सकते हैं। इन दोनों सिंबल्स के बीच में भी फोटो लगा सकते हैं, और यदि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है तो फॉरगिवनेस, यूनिवर्सल लव, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। मीन्स डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन कैसी है किसी के साथ रिलेशनशिप के लिए, उसके अकॉर्डिंग इन सिंबल्स को आप कॉम्बिनेशन, इनका सैंडविच बना के आप यूज कर सकते हैं। तो आपने आज देखा कि जीबू सिंबल्स को लव रिलेशनशिप के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करिएगा। जिनको इन वीडियोज की जरूरत हो आपके फ्रेंड्स को, तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।